तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरा नाम है आरिफ चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आरिफ चौधरी व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग होने वाला है IIP के रूम के बारे में, जो कि ट्रेनी को अलॉट होता है। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसा कैसा जो रूम है, जो रूम में फैसिलिटी मिलती है और रूम मेनली कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है ख़त्म, तो मैं करने वाला हूं अपना सामान पैक। तो मैं सामान पैक करता हूं और उसके साथ साथ आपको मैं बताता हूँ, रूम का टूर कराता हूँ, जो कि IIP में आने के बाद आपको एज ए ट्रेनिंग अलॉट होगा। आपको दो बंदों के लिए एक रूम मिलेगा, लेकिन मैं अकेला रहता था। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी तो मुझे कोई रूममेट नहीं मिला, और मिला भी तो एक दो हफ्ते के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए, लेकिन मेरे 6 मंथ की थी, तो ज़्यादातर मैं अकेला ही रहा हूँ और अभी भी अकेला रह रहा हूँ। तो अभी मैंने करनी है अपनी पैकिंग, और मैं अपनी पैकिंग करता हूँ और उसी के साथ साथ आपको रूम का टूर भी कराता हूँ। मैं जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हालांकि आपको अगली वीडियो में पता लग जाएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। तो फटाफट मैं आपको कराता हूँ रूम टूर। एंट्री, तो ये है आपका गेट, और इसको बंद करते हैं अभी, क्योंकि बाहर से आवाज़ थोड़ी आएगी। और ये हो गया आपका, जो कि आपको यहाँ फैसिलिटी मिलने वाली है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। आप वीडियो पॉज कीजिएगा और देखिए। और ये होगी अलमीरा, और इसी के साथ साथ ये मैंने लगाया था यहाँ पर फ्लैग जब मैं स्टार्टिंग में आया, तो उसी के 10-5 दिन के बाद मैंने शायद ये फ्लैग लगा दिया था। और इसमें हेल्प की थी मेरे दोस्त ने, कुणाल ने, और जिसकी वीडियो मैंने इस पर अपलोड भी की थी, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं, फिर उसी के साथ साथ आपको ये मिल जाएगा, हालांकि सारे रूम में नहीं है, तो मेरे रूम में था, तो ये थोड़ी अच्छी बात हुई। तो एक लाइट ये मिलेगी आपको, एक छोटी सी लैम्प यहाँ पर मिलेगी, एक विंडो कवर यहाँ पर मिलेगा। ये मेरा है ट्राईपोड जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियो इससे शूट की है। ये यहाँ पे कप मिलता है, तो मैं क्योंकि कॉफ़ी वगैरह अपने आप ही बनाता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। ये लैपटॉप, और ये एक चेयर मिलती है। और हालत देखो, अभी हालत तो आपको और भी दिखाऊंगा, इस पर सामान वगैरह पड़ा है, तो सामान पैक भी करना है। ये मेरा फ़ोटो रखा है, जो कि मुझे अपने कॉलेज से मिला है। ये थोड़ा फटाया तो मेरा फ़ोटो भी दिख रहा होगा आपने। और ये हालत है हमारे रूम की, इसमें बहुत सारी शर्ट हैं जो कि अलग अलग जगह से आई है, मैंने बहुत कम खरीदी होगी, और इस तरीके से मेरा पूरा सामान बिखरा पड़ा है, और अभी पैक करना है, कल मैंने निकलना है। और ये आयरन भी रखी है, ऑन ही है, देखो। ये अम्ब्रेला, और इसी के नीचे ने मेरा सामान रखा है, और ये पड़ा है चार्जर वगैरह लैपटॉप का, और ये पड़ा है पेन वगैरह। अगर मैं आपको अलमीरा दिखाऊं तो कैसी है, ये देखो, 2 पिलो पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास पिलो पहले से ही है, 1-2, और वो अच्छे हैं। ये अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये पहले किसी ने यूज़ किया है, वो नए नए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वॉशरूम के अंदर, तो वॉशरूम का गेट इस तरीके से होगा, और इस तरीके से आपको वॉशरूम देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बकेट जो कि मेरी है, तो अपनी पर्सनल बकेट है दोनों, मैं दोनों को छोड़ कर जाऊँगा। और एक मिलता है यहाँ पे आपको मिरर, जिसमें आप अच्छे से अपना फेस देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, हालांकि इस पर कुछ चिपका हुआ है, ये लाइट नहीं जलती, ये इसमें ही टैंक दिया गया है ऊपर, और ये सीट, ये गीज़र, और वो एग्जॉस्ट, और एक LED जो कि मैंने खुद ही लगाया था अपना, और ये मेरा अम्ब्रेला। और टोटल शर्ट इसमें 1-2-3-4
पाँच, छः, सात, आठ। अब इसमें से मैंने कितनी खरीदी होगी ये देखो, एक, दो, इसमें से मैंने सिर्फ दो शर्ट खरीदी है आज तक। और ये शर्ट भी एक जगह से आई है, ये भी शर्ट मैंने खरीदी थी, तीन शर्ट मैंने खरीदी है, ये शर्ट और ये शर्ट और ये शर्ट, सारी एक जगह से आई है। अब ये मत पूछना आई कहाँ से है। इस तरीके का हमारा जो है आईपी के अंदर रूम रहता है, ऐसा कुछ सामान बिखरा पड़ा रहता है। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा था आईपी के अंदर। तो एक्सपीरियंस काफ़ी फैंटेस्टिक था, कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ चीज़ें और सीखने को मिली कि क्या करना चाहिए, कुछ और ऐसा सीखने को मिला कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत इन्जॉय किया, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो व्लॉग बनाऊंगा एक, जो कि अगला ही व्लॉग होगा। और अभी मैं करता हूँ अपना सामान पैक, क्योंकि लगभग 12 बज चुके हैं रात के, और मॉर्निंग में निकलना भी है या इवनिंग में, तो अभी सामान पैक करना होगा, क्योंकि मैं पूरे दिन आज 11 बजे तक सोया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी गया, और यूनिवर्सिटी के बाद पसीने में तरभर होकर वहाँ से आया, क्योंकि धूप काफ़ी थी। और इधर उधर जो नोड यूज में चक्कर लगवाते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, उससे हर कोई तंग हो जाता है, पता नहीं इतने चक्कर क्यों। कहीं लाइब्रेरी से नोड यूज करा के लाओ, कभी प्लेसमेंट सेल से नोड यूज करा के लाओ, कभी HOD के साइन करा के लाओ, कभी अकाउंट सेक्शन से साइन करा के लाओ। तो वो चीज़ें ना लास्ट वीक में दो यूनिवर्सिटी में गया, एक तो BSc वाली डिग्री लेनी थी, एक MSc वाली डिग्री लेनी थी, और इसमें नोड यूज़ में पंगे, और थर्ड IIP वाला नोड यूज़ जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और मैंने रख दिया है, बस सारे बिल विल वगैरह करा के चला जाऊँगा। नोड यूज़ मैं शायद किसी को बोल के जाऊँ कि मेरा नोड यूज़ करा देना, और ज़्यादातर तो साइन हो चुके हैं, सर्टिफिकेट भी नहीं ले जा रहा हूँ मैं अभी, तो सर्टिफिकेट भी मैं बाद में लेके जाऊँगा। उम्मीदों के साथ कि आगे की लाइफ अच्छी होगी, इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बेफिक्र से कमेंट में लिख सकते हैं, अगर थोड़ी वॉइस कम आ रही हो तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बिगनर ही हूँ, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, और कुछ पैसे भी नहीं आ रहे हैं यूट्यूब से, तो कोई ख़ास तौर पे मैं वीडियो बनाऊँ। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अगर कोई नया बच्चा आता है, मान लीजिए उसको कोई पता नहीं है कि IIP में क्या होता है, कैसे होता है, कैसा रूम होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या एप्लीकेशन देनी होती है, कैसे कैसे होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बना देता हूँ कि आगे कोई आए उसको हेल्प हो, उसको गाइडेंस मिले कि अच्छा इस बंदे की वीडियो मैंने देखी है, इससे मुझे हेल्प मिली, कुछ जानकारी मिली, कुछ कैसा होता है रूम, वो सारी चीज़ें होती है ना। जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी टेंशन होती हो, अब आपके साथ पेरेंट्स तो हर जगह नहीं घूमेंगे, कि बच्चे तो आप रहे नहीं हो, आप कॉलेज में आ चुके हो, तो समझ रहे हो ना, तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और साथ ही साथ अगर कोई आपका दोस्त आने वाला है उसको फॉरवर्ड करो। चलो मिलते हैं।